हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि की कार्ड से इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा लास्ट तक और बताएंगे कैसे आप लोगों को कनेक्शन किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। तो ये मुझे मैं मार्केट से लेकर आऊँ, 250-300 रुपये का मार्केट में आप लोग को मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का आप लेते हैं। तो आप लोग से तो विहान कंपनी का है, आप लोग कोई सा भी कंपनी का लीजिएगा तो हो सके तो रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे आप लोगों को मिल सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग जो कंपनी का लेना चाहते हैं आप लोग उस कंपनी का लीजिएगा। ये मैं सोचिएगा कि मैं इस कंपनी का प्रमोट कर रहा हूँ, बस लगा रहा हूँ तो आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक प्रकार के समझिएगा कि डीपी स्विच है, पीछे भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इस कैसे है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो सिंगल वायर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ मतलब वायर पे जो टेप लगा हुआ है, ये हमारा लोड का वायर है जो यहाँ से आउटपुट होकर जाएगा। और जो नीचे आप लोगों को दो वायर दिख रहा है वो जो हमारा इनपुट आया है उसका वायर है। तो इसमें हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे, इन्वर्टर से पूरा लाइट सब कुछ रहेगा। आप लोग उसमें आप लोगों को लाइट से करना रहेगा तो लाइट कर लीजिएगा, इन्वर्टर से करना रहेगा तो इन्वर्टर से कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि इन्वर्टर और लाइट आप लोग चाहते हैं दोनों का कनेक्शन करना था, दोनों का कनेक्शन नहीं हो पाएगा, एक ही का कैसे कनेक्शन होगा, या तो इन्वर्टर के लिए या तो लाइट का कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जो EN1 और EN1 लिखा हुआ, वहाँ से न्यूट्रल इन होगा। और नीचे की साइड में आप लोगों को दिखा रहे हैं थोड़ा सा, और L2 और EN2 जो लिखा हुआ है यहाँ से जो हमारा लोड है यहाँ से निकलेगा। ऊपर साइड में आप लोगों को लाइन न्यूट्रल जो है न्यूट्रल और फेस वहाँ से दे देना है आप लोगों को। और ऊपर से क्या करना है कि मतलब नीचे साइड से आप लोगों को लोड निकाल देना न्यूट्रल और फेस का। तो मेरा ये दोनों जो वायर देख रहे हैं आप लोग हरे कलर का, ये दोनों इन्वर्टर का वायर है। तो चलिए इसमें कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, ब्लैक वाला मेरा 2.5 mm का वायर है और इसको न्यूट्रल बना के रखे हैं। और जो आप लोगों को ग्रीन कलर का वायर जो दिख रहा है 0.75 का इन्वर्टर का है, तो पूरा इन्वर्टर से मेरा सप्लाई रहेगा घर का, तो इसलिए पूरा इसमें इन्वर्टर का सप्लाई ला के डाल देंगे। तो देख सकते हो आप लोग इधर मैं न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया हूँ। और क्या करते हैं कि दूसरे साइड में इस साइड में आप लोगों को दिखाएँ जहाँ पे EL1 लिखा है, यहाँ पे लाइन कनेक्शन देना है जो इन्वर्टर का कनेक्शन है। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं। और इसमें भी आप लोगों को क्या करना है कि पूरा फुल लाइट रखना, किसी प्रकार का लूज कनेक्शन नहीं करना है आप लोगों को। तो देख सकते हो आप लोग ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अभी इधर आप लोगों को दो इंडिकेटर का वायर दिख रहा है, तो इसको आप लोगों को इनपुट में नहीं डालना है। आप लोगों को क्या करना है कि जो आउटपुट वाला है EL1 और EN2 जो लिखा हुआ है, इधर आप लोगों को कनेक्शन डाल देना, ताकि आप लोग जब कार्ड डालेंगे तो यहाँ से आप लोगों का जो इंडिकेटर है वो शो होने लगेगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, यदि आप लोग इनपुट में डालना चाहते हैं तो इनपुट में डाल दीजिएगा, मैं तो इसको आउटपुट में डालूंगा। तो आउटपुट के साथ में इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग जो दोनों वायर है सिंगल टेप लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि हमारा लोड वाला वायर है। तो इसको क्या करेंगे कि एक साइड का न्यूट्रल जो न्यूट्रल वाले इनपुट न्यूट्रल जिस साइड में हुआ है उस साइड में न्यूट्रल कनेक्शन कर देना, और जो फेस साइड में कनेक्शन हुआ है इनपुट फेस का वो साइड में इन्वर्टर का फेस वाला ये वाला कनेक्शन कर देना है। तो ये हमारा लोड का वायर है। और दोनों को क्या करना कि आप लोगों को अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है ताकि स्पार्क ना हो। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना कि स्पार्क ना हो, और खूब अच्छे से आप लोगों को कनेक्शन कर देना है। जो हमारा मतलब जो कार्ड की स्विच है 20 एम्पीयर का लोड इस पर चल सकता है, आप लोग 20 एम्पीयर का लोड आराम से चला सकते हैं। आपका अब तीसरे कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने एम्पियर का बनाते हैं सब, वो तो नहीं पता है मुझे। इस पर 20 एम्पियर लिखा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ 20 एम्पियर का है। तो देख सकते हो आप लोग मैं वायर को ट्विस्ट कर रहा हूँ। और ट्विस्ट करने के बाद क्या करते हैं कि ये जो इंडिकेटर का वायर था और जो हमारा न्यूट्रल था एक चार मिनट का कनेक्शन कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसको भी क्या करेंगे पूरा भरपूर टाइट कर देंगे लूज ना रहे। और दूसरे साइड में क्या करना है कि जो रेड मतलब ग्रीन कलर का वायर है, ग्रीन कलर के वायर के साथ ये दूसरा वाला जो इंडिकेटर का वायर है इसका भी कनेक्शन उसी में कर देते हैं, ताकि जब हम लोग कार्ड डालें तुरंत इंडिकेटर ऑन हो जाए, और जैसे कार्ड निकाले तो इंडिकेटर बंद हो जाए, उसी हिसाब से कनेक्शन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इधर हमारा जो लोड का वायर था मतलब लाइन वाला लोड जो दूसरा वाला था वायर, उसको भी लगा दिए और पूरा फुल टाइट कर दिए हैं, और इधर कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब आप लोगों को बता दें जो टेप लगा हुआ है वो हमारा लोड का है, जो जिसके टेप नहीं लगा हुआ है वो मतलब इनपुट सप्लाई का है। अभी आ गए हैं जहाँ पे मेरा कनेक्शन करना है, मेन वाला यहाँ पे आ गए हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पर यहाँ पे दो टेप लगाएं, जो लोड वाला है दो टेप लगाएं, और जो इधर से जो मेन सप्लाई गया है इस पर सिंगल टेप लगाएं। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से सिंगल टेप इधर लगाए हैं, और उधर जो हमारा
मतलब इनपुट वाला जो वायर गया था उस पर कोई टेप नहीं था, और लोड वाला वायर था उस पर सिंगल टेप था, और इधर लोड वाले वायर के डबल टेप मार के मतलब मार्किंग करके रखे हैं। अब इधर क्या करते हैं कि इसका भी कनेक्शन करते हैं, जो ग्रीन कलर का वायर इसको छील लेते हैं, और छीलने के बाद जितना भी हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन है मतलब पूरे रूम का, एक रूम का है पूरे रूम का, इसमें कनेक्शन कर देंगे। अब और आप लोग ये जो ग्रीन कलर का वायर देख रहे हैं इसमें मेरा इन्वर्टर का फेस है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरत के लगाइएगा ताकि किसी प्रकार का आप लोग इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना। अभी इसको क्या करना है कि ट्विस्ट कर देंगे, ट्विस्ट करने के बाद क्या करना है कि इस पर टेप मार देते हैं। आप लोग को अच्छे से टेप लगा लेना, किसी प्रकार का टेप में कंजूसी मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि टेप इसको सुरक्षा का रखेगा पूरा। तो देख सकते हो आप लोग इसको भरपूर टेप लगा देते हैं पूरा। तो चलिए टेप लगा के और आप लोग आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमारा जो लोड वाला कनेक्शन था ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें जो आप लोगों को दिखा रहे हैं ये जो हमारा है न्यूट्रल है, न्यूट्रल को क्या करेंगे कि जो हमारा उधर से न्यूट्रल आया हुआ है पूरे न्यूट्रल को तो इसमें लूप कर देंगे। अभी जो आउटपुट का लोड वाला जो है इसको क्या करेंगे कि मतलब इस वाले न्यूट्रल वाले सॉकेट पे कर देंगे, और ये वाला जो हमारा पहले से लगा हुआ है न्यूट्रल वाला इसको निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ये वाला इसमें निकालने के जो हमारा मेन न्यूट्रल आया इसमें कनेक्शन हुआ है, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। और यहाँ से जो हमारा मतलब वहाँ पे गया है कार्ड स्विच के पास जो गया है यहाँ से वायर जो इनपुट वाला है उसमें क्या करेंगे कि न्यूट्रल का कनेक्शन डाल देते हैं यहाँ से निकाल के। तो देख सकते हो आप लोग इधर तो मेरा न्यूट्रल मिल जाएगा पहले से ही। और इसमें आप लोग एक काम भी और कर सकते हैं कि जो उधर से आउटपुट वाला न्यूट्रल आ रहा है यहाँ पे आप लोग उससे भी आप लोग क्या करेंगे पूरा न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। जो न्यूट्रल वाला वायर है वहाँ से जो आउटपुट आ रहा है उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पूरा न्यूट्रल है इस रूम का वो क्या करते हैं कि जो स्विच के पास जो कार्ड के स्विच के पास जो है जा रहा है जो इनपुट न्यूट्रल जा रहा है उसमें पूरा कनेक्शन कर देंगे, और उधर से जो आएगा सिर्फ एक सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे उसका। बाकी न्यूट्रल से न्यूट्रल तो मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को फेस का ध्यान रखना है। और जो न्यूट्रल से न्यूट्रल आप लोग लूप करेंगे इसको भी आप लोगों को अच्छे से क्या करना है कि ट्विस्ट करके लगाना है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको पूरा इसको ट्विस्ट करके उसके बाद आप आगे आप लोगों को दिखाते हैं और टेप मार के इसको भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग जो मेरा न्यूट्रल था पूरा हो गया, और इसको भी क्या करेंगे पूरा अच्छे तरह से टेप मार देंगे। तो चलिए टेप मार के आगे आप लोग को दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग जो न्यूट्रल था उस पर टेप मार देंगे। अभी जो इसका जो फेस वाला कनेक्शन है, अभी जो इन्वर्टर का जो फेस वाला वायर आप लोग को दिखाएँ जो वो मतलब अभी आप लोगों को चेक करा के दिखा रहे हैं उसको भी, और इसको क्या करेंगे डायरेक्ट जो इन्वर्टर का मतलब फेस आ रहा है उसमें आप लोगों को कनेक्शन कर देना है। तो देख सकते हो आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को इसमें चेक करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग टेस्टर ग्लो वगैरह ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या करेंगे कि ध्यान से इसको प्लाई लगी और अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरत के लगाइए, फिर आप लोगों से बोल लेंगे सावधानी सबसे ज़रूरी है। आप लोग काम कीजिए मगर थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इन्वर्टर का सप्लाई सबसे जानलेवा होता है। लाइट रहेगा तो उसमें आप लोग थोड़ा सा बच भी सकते हैं, इसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत रहेगा। और हमेशा आप लोग इस बात का ध्यान करिएगा स्लीपर पहन के ही आप लोग काम कीजिएगा, बिना स्लीपर का काम मत कीजिएगा। तो देख सकते हो आप लोग जो इन्वर्टर का जो मेन कनेक्शन आया था वो स्विच वाले जो इनपुट जो वायर था उसमें इसका कनेक्शन कर देंगे, और इसको भी क्या कर देंगे अच्छे से टेप मार देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से टेप मार देना है। आप लोग मारिएगा टेप को और इस पर देख सकते हो आप लोग टेप लगा देंगे, और आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं। और तो देख सकते हो आप लोग ये जो हमारा मतलब वो इन्वर्टर कनेक्शन था इनपुट वाला हो गया है। अभी जो आउटपुट का कनेक्शन आप लोगों को दिखा रहे हैं, आउटपुट वाला कनेक्शन अब क्या करना है कि जो आप लोगों को मैं दिखाया था इसमें ये न्यूट्रल हो गया हमारा, और इसमें जो आउटपुट का इन्वर्टर का वायर आया था ग्रीन कलर का पूरे ग्रीन वाले वायर में डाल दिए हैं, और इसको भी क्या करेंगे ट्विस्ट करके मतलब छील के इसको और क्या करेंगे सॉकेट वाले जगह में लगा देते हैं। तो चलिए आप लोगों को लगा कर दिखाते हैं वो भी। तो देख सकते हो आप लोग जो वहाँ से आउटपुट वाला आया था इसमें क्या किए हैं कि सॉकेट में सिर्फ कनेक्शन डाल दिए हैं, बाकी जो न्यूट्रल था हर जगह इनपुट से ही न्यूट्रल उसका हो गया, बस सॉकेट में इसका न्यूट्रल हो गया जो कार्ड के स्विच से आया हुआ है। अभी यहाँ पे तो हमारा कनेक्शन हो गया है, अभी क्या करते हैं कि इसमें पूरा जो मेरा लाइट वगैरह है सब कुछ क्या करना कि इसको इन्वर्टर से करना है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का जो वायर आप लोगों को दिख रहा है इसको खोल के निकाल के और उसी में क्या करेंगे इसको भी डाल देंगे
साथ में दोनों को डाल देंगे और ऊपर क्या करेंगे कि लूप कर देंगे पूरा वायर, और पूरा मतलब जो बोर्ड है हमारा इन्वर्टर से हो जाएगा। तो उसको भी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, जो ब्लैक कलर का वायर है, ग्रीन कलर का जो वायर लगा है उसी में ही लगा हुआ है। और गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, आप लोग इस बात का ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है इस टाइम। और देख सकते हैं आप लोग, जो स्विच के नीचे वाले हिस्से में इसका कनेक्शन कर दिया। अभी जो ग्रीन कलर का ऊपर वायर है इसको काट लेते हैं और स्विच वाले नीचे वाले हिस्से में कनेक्शन कर देते हैं। और इसमें भी आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूँगा इसके भी कनेक्शन के बारे में। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं बता दूँगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा बताने का कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो देख सकते हो आप लोग, जो वहाँ से इन्वर्टर का मतलब रेड मतलब ब्लैक वाले वायर से जो लूप करके निकाले थे इन्वर्टर का, यहाँ पे हो गया है। अभी यहाँ से क्या करेंगे कि इसको टाइट कर देते हैं पूरा। और यहाँ पे जो मेरा रेड कलर का था वायर, मेरा रेड यहाँ से रेड वाला जो है आउटपुट होके जा रहा था, तो इसको क्या करते हैं कि काट देते हैं। और जो मिनी एमसीबी लगा हुआ है उसके नीचे वाले मतलब नीचे वाले हिस्से में उसका कनेक्शन कर देंगे, ताकि जहाँ पे लाइट का सप्लाई जा रहा था इन्वर्टर का नहीं, लाइट का जो सप्लाई था लाइट वाले में पूरा जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग, नीचे मिनी एमसीबी लगा हुआ है और उधर एल साइड में इधर टेस्टर ग्लो हो रहा है, उसी साइड में इसको क्या करेंगे कि लगा देंगे, जिस वाले बोर्ड का वो मतलब लाइट वाला कनेक्शन रहेगा, रेड वाला वायर, वहाँ तक उसका कनेक्शन चला जाएगा। आप लोग पूरे ध्यान से इसको काम कीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप लोग इसको क्या करेंगे कि जो इन्वर्टर का सप्लाई वो भी डाल दीजिएगा इसी में, और लाइट वाला जो सप्लाई है वो भी डाल देंगे, तो फिर क्या होगा कि इन्वर्टर से ही चलने लगेगा जहाँ पर लाइट का सप्लाई रहेगा, और फिर दिक्कत करने लगेगा आप लोगों को। उस वाले बोर्ड में भी इन्वर्टर कनेक्शन रहेगा तो वो भी दिक्कत करने लगेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर लाइट का कनेक्शन रहेगा वहाँ पर सिर्फ लाइट का कीजिएगा, और इन्वर्टर का रहेगा तो इन्वर्टर का आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लाइट वाला जो वायर था किसी बोर्ड का मतलब लोड पे जा रहा था वो लाइट का सप्लाई, तो उस पर इसको भी क्या करते हैं कि टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, इसको भी क्या करना है कि आप लोगों को फुल टाइट कर देना आराम से। तो दिखा रहे हैं आप लोगों को कनेक्शन करके इसका भी, और फुल टाइट हो गया है हमारा। अभी जो ऊपर वाले से लेके देख सकते हो आप लोग, नीचे वाले साइड में मतलब लूपिंग नहीं हुआ है, इधर आप लोग देख सकते हो ध्यान से। तो अभी क्या करेंगे कि एक ग्रीन कलर का और वायर लेंगे, और जहाँ ऊपर से मतलब इन्वर्टर का ग्रीन वाला वायर डाले थे ब्लैक वाले से करके ग्रीन वाला, वहाँ तक आप डाल दें, वहाँ से लूप करके और नीचे वाले हिस्से में इसको भी लूप कर देंगे। तो चलिए उसको भी करके दिखाते हैं। इधर जो देख सकते हो आप लोग, ग्रीन कलर का वायर है उसको छील के, और इधर क्या करेंगे कि जो स्विच वाला है नीचे का टर्मिनल है उसी में कनेक्शन कर देंगे इसका भी। तो देख सकते हो आप लोग, ध्यान से देखिएगा। तो देख सकते हो नीचे वाला टर्मिनल में इसका कनेक्शन हो गया है। अभी क्या करेंगे कि जहाँ नीचे वाले स्विच का हिस्सा जो है वहाँ तक इसको भी छील के क्या करेंगे उसमें कनेक्शन कर देते हैं। तो चलिए उसका भी कनेक्शन करके फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, जो इन्वर्टर का नीचे वाला स्विच में जो कनेक्शन करना था हो गया। अभी आ गए कार्ड के स्विच के पास, और कार्ड डाल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हो आप लोग, कार्ड डालने पर तुरंत लाइट ग्लो हो गया और इंडिकेटर भी जल रहा है इसमें, निकालते हैं फिर। देख सकते हो आप लोग, लाइट बंद हो गया है, फिर डालते हैं इसको, लाइट चालू। तो जो हमारा कनेक्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि जो हमारा जो कार्ड के स्विच है इसको क्या करते हैं कि वाल के स्क्रू के द्वारा जो बोर्ड लगाए हैं तीन मॉडल का, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तीन मॉडल का भी कार्ड के स्विच आता है और दो मॉडल का भी आता है। तो तीन मॉडल का मैं इस पर बॉक्स लगाया था, तो एक डमी स्विच लगा दें और कार्ड की। देख सकते हो आप लोग, कनेक्शन मेरा ओके हो गया पूरा, और कार्ड निकाले, लाइट बंद हो गया ऊपर का। तो चलिए वीडियो दिया आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार का सुझाव सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो दिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।